हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 11th क्लास की जो अकाउंट्स की बुक है ये वाली, इसमें हम एग्जांपल नंबर 5th करेंगे। ये लास्ट एग्जांपल है, इसके पहले के एग्जांपल्स में पहले भी आपके साथ डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5th इलस्ट्रेशन दिया है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये सारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है अकाउंटिंग इक्वेशन से। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन दिए हैं, मिस मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ 80,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और परचेज फर्नीचर फ्रॉम, ये सारे ट्रांजेक्शन मैं ऑलरेडी इस फॉर्मेट में लिख चुकी हूँ और आपको भी इसी तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको ही बता दूं, ये चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग का है, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 37 लिखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसमें जो फॉर्मेट बनेगा सिंपल, जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, इसमें जो पहला ट्रांजेक्शन का बनेगा, दूसरा एसेट्स रुपीज में, इक्वल का साइन लिक्विड रुपीज प्लस कैपिटल रुपीस में। इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है, आप इसका जो एक इक्वेशन है कि जो आपकी एसेट्स है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर मेहता ने आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है 80,000 से। जब 80,000 आपके बिजनेस में आ रही है, उससे क्या होगा, आपकी जो कैपिटल है इंक्रीज होगी और एसेट्स इंक्रीज होगी। तो 80,000 एसेट्स में आएंगे, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं, निल, और कैपिटल भी 80,000 से इंक्रीज होगी। इसको हम नीचे ऐसे लाइन खींच के जो उसका बैलेंस है वो उतार देंगे, सेम एज इट इज लिख देंगे। दूसरा कह रहे हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन रुपीज 12,000। 12,000 के गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, अश्विन से, और किस फॉर्म में किए हैं, यहाँ पे क्रेडिट फॉर्म में करें। क्रेडिट में यदि हम करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे आ जाएंगे 12,000 के हमने गुड्स परचेस करे हैं, तो प्लट से शो कर रहे हैं, प्लट का साइन लगाया है, हमारे 80,000 में 12,000 रुपए एड हो जाएंगे। लाइबिलिटीज है वो हमारी 12,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमारे कैपिटल है इस ट्रांजेक्शन में नील है। अब हम इसको लाइन खींच के ऐसे ही बैलेंस लिखेंगे, 80,000 प्लस 12,000 आपका हो जाएगा 92,000, लाइबिलिटीज हो जाएगी आपकी 12,000 की, और कैपिटल आपकी आ जाएगी 80,000 की। तीसरा कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम एसएम फर्नीचर्स, आपका आ जाएगा क्रेडिट से है 6,000 से, उन्होंने परचेज किया हुआ है, ठीक है। जब 6,000 से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स क्या हो जाएगी हमारी, 6,000 से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, वो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है ना, हमारा फर्नीचर हमारी कंपनी में आ रहा है, इससे हमारी क्या 6,000 से हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो लाइबिलिटीज है वो भी 6,000 रुपए से और बढ़ जाएगी, अभी 6,000 रुपए देना बाकी है, और हमारी जो कैपिटल है वो इस ट्रांजेक्शन के लिए नील है, कोई आपके कैपिटल में इंक्रीज नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे उसी तरीके से सेम बैलेंस निकालेंगे, तो 92,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 98,000, आपका 12,000 प्लस 6,000 होता है 18,000, और ये आपका कैपिटल चलेगा एज इट इज 80,000 से। फोर्थ कह रहे हैं गुड्स सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज 10,000, यदि हम किसी चीज को सेल आउट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है ना। सोल्ड गुड्स टू आनंद, हम आनंद को 10,000 रुपए का गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए का सामान तो हमारे पास से जा रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस से शो करेंगे क्योंकि वो हमारे पास से जा रहा है। 10,000 के गुड्स तो हमने सेल आउट करे, लेकिन 10,000 रुपए की हमको इनकम भी हो रही है, तो प्लस का साइन लगा के 10,000 हमको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। और हमारा जो लाइबिलिटीज है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और हमारे कैपिटल में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर बैलेंस जो आएगा वो सेम आएगा 98,000, क्योंकि 98,000 में 10,000 प्लस और एक बार माइनस करेंगे तो सेम 98,000 ही आएगा। आपकी जो लाइबिलिटीज है वो 18,000 ही आएगी, और आपकी जो कैपिटल है वो 80,000 आएगी। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 25,000, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी ही शॉप से या अपनी कंपनी से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हुआ, 25,000 रुपए का, सॉरी 2,500 रुपए है ये, 2,500 रुपए से हमने कैश निकाल लिया, तो यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
और एसेट्स कम होगी तो हमारी कैपिटल में से भी पैसा कम होगा ना, 2500 यहां से, और हमारी जो लाइबिलिटीज है वो नील है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे टोटल यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 98,000 माइनस 2,500 इक्वल टू इज 95,500। आपकी जो लाइबिलिटीज है 18,000, और आपकी 80,000 माइनस 2,500 रुपये यानी कि 77,500। ओके, सिक्स कह रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000। ठीक है, आपको जो गुड सोल्ड किए हैं वो कितने किए हैं, 12,000 थे। तो हम सबसे पहले यहां लिख देंगे हमने 12,000 रुपए का गुड सोल्ड आउट किए। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000, 12,000 का सामान बेचा, ठीक, हमें 2,000 के प्रॉफिट और हुए, यानी कि 12,000 प्लस 2,000 हमें 14,000 रुपए प्रॉफिट में मिले, पैसा मिला है। हमारी जो लाइबिलिटीज है यहाँ पे नील है, और हमारी जो कैपिटल है कितने का प्रॉफिट हुआ था, 2,000 का, तो 2,000 रुपए हम यहाँ पे भी शो करेंगे। अब फाइनल यहाँ पे हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ टोटल करेंगे। तो 95,000 प्लस 500 प्लस 14,000 माइनस 12,000 आपका होता है 97,500। आपकी जो लाइबिलिटीज है वो 18,000 की है, और आपकी जो कैपिटल है वो आ जाएंगे 77,500 प्लस 2,000, 79,500। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैंने यहाँ पे इक्वल के साइन नहीं लगाए हैं, आप इक्वल का साइन जरूर लगाइएगा। यहाँ पे भी प्लस का साइन, अच्छा ये इक्वल का साइन और प्लस का साइन जो लगाया है इसका लास्ट में क्या है आपका, आप यदि आप देखेंगे ना 18,000 प्लस, आप यहाँ पे मैं एक रफली करके दे रही हूँ वर्क नोट करके, 18,000 प्लस 79,500 जो आंसर आएगा ना वो आपका क्या होगा, एसेट्स की इक्वल होगा। आप इनको ऐड करके देखेंगे तो 97,500 ये आपकी एसेट्स है, यानी कि आपका जो भी आपकी जो लाइबिलिटीज होगी। क्वेश्चन को आंसर चेक करने का तरीका ये है कि आप इसका टोटल प्लस कैपिटल का टोटल आप ऐड करके देखेंगे कि वो आपकी एसेट्स के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है, आपने कहीं मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में, यदि करेक्ट आ रही है यानी कि आपने क्वेश्चन इक्वेशन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो, समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने सारे ये चैप्टर 2 के एग्जाम्पल हमने आज पूरे समाप्त कर दिए हैं, अब कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।